उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर दहेज लोभियों की हैवानियत भरा वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें नवविवाहिता दहेज लोभी ससुरालियों से बचने के लिए उनकी लगातार मिन्नतें करती रही, लेकिन इसके बावजूद ससुरालियों का कलेजा नहीं पसीजा और दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को जिंदा फूंक दिया। घटना कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है, जहाँ प्राची त्रिपाठी नाम की युवती की शादी यहाँ के रहने वाले एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्राची के ससुराल वाले मायके से इनोवा कार लाने की मांग करने लगे। वहीं प्राची लगातार अपने माता पिता की बेबसी का हवाला देकर बख्श देने की मिन्नत करती रही, लेकिन दहेज के लोभी प्राची के ससुराल वालों पर प्राची की बात का कोई असर नहीं हुआ और कार की अपनी ख्वाहिश पूरी ना होते देख बीते 8 अप्रैल को पहले तो प्राची की जमकर पिटाई की गई और बाद में प्राची के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वहीं सूचना पर पहुंचे प्राची के परिजनों ने पुलिस की मदद से प्राची को कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आज प्राची ने मरने से पहले अपने ससुरालियों की हैवानियत का काला चिट्ठा खोला और फिर इंसाफ की गुहार लगाते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। 22 तारीख को मेरी नंद आई थी, उसी के आने के बाद लड़ाई घर में शुरू हुई और शनिवार को मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। उसके बाद मेरे घर से मेरे भैया चाचा सब लोग गए और जब चाचा लोगों ने गुस्सा किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं चाचा भाई, अब गलती हो गई, अब नहीं होगी, और कहने लगे प्रिया को ना ले जाओ, प्रिया यहीं रहेंगी मेरे साथ। तो हम चाचा लोगों ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम पेपर दे, हमारे पेपर थे तो हम पेपर देने लगे। उसके बाद शनिवार की रात में हमारे गेट ने हमारे ऊपर आग लगा दी संडे को। ब्यूरो रिपोर्ट, मैसेज 24/7।